स्वामी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बेटी का नाम श्रीमयी है इसका नाम वांगमैय होगा स्वामी हमेशा से हमारी फैमिली का एक जैसे फैमिली का कोई एक बड़ा सदस्य होता है वैसे थे उन्होंने वो हमारे लिए सारे काम किए जो एक बड़ा करता है श्री स्वामी की चेयर भी जय मुझे सामने दिखली तुम तो के तो सामने वाली आंटी की वो एकदम खड़ी हो गई मैं ऐसे करके मैंने बैं किया और जब मैंने ऐसे बैंक किया मैंने देखा तो मेरे लिए ऐसे करके बैंक करके मुझे देख रही थी हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग uh, थी द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट स्वामी गेव अस वाज दैट वी वर बोर्न नोइंग हिम 90 में मैं कॉन्वोकेशन के लिए पुट्टपर्ती में थी और स्वामी ने दर्शन लाइन में आके हम लोग दो लोग बैठे हुए थे सामने फ्रंट रूम में थोड़े से ही लोग थे तब शाम के टाइम और स्वामी भजन से पहले निकले और मेरे पास आके कहते हैं सन होता है तो आ, मैंने कहा नहीं स्वामी नो स्वामी तो स्वामी कहते हैं होता है होता है और ऐसे कह के चले गए और आ, आई थिंक uh, मुझे फिर लगा कि मुझे टेस्ट करना चाहिए एंड नौ महीने के बाद श्री पैदा हुई जिसका नाम स्वामी ने रखा और uh, जब हम uh, इसका नाम जो रखा हम लोग वृंदावन में थे uh, मैं और मेरे हस्बैंड uh, आपस में बात कर रहे थे कि स्वामी क्या नाम रखेंगे तो राजन को ने कहा ये श्री में ही नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वामी ने रखा है किसी का नाम तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने कहा ठीक है मतलब ये सोचा और भूल गए और जब श्री पैदा हुई पुटपर्ति में राजन दिल्ली में थे और मैं चालीस दिन पुटपर्ति में थी और उसके बाद मुझे दिल्ली जाना था तब तक स्वामी वृंदावन चले गए थे तो वृंदावन जब मैं गई इंटरव्यू के बाद बाहर बैठे हुए थे सब लोग उनके साथ मैं भी बैठी हुई थी और मेरे हाथ में आ, मेरी डॉटर थी छोटी सी तो स्वामी पूछने लगे इसका नाम क्या है मैंने कहा स्वामी आपने रखना है नहीं तुमने कुछ सोचा होगा ना हस्बैंड ने सोचा होगा मैंने कहा नहीं स्वामी जो भी आप कहेंगे तो इतनी देर तक मतलब आ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं स्वामी का टाइम वेस्ट कर रही हूँ लेकिन स्वामी ने मुझे छोड़ा ही नहीं और कहते हैं नहीं बताओ बताओ तो तुम्हारी मदर इन लॉ ने सोचा होगा तुम्हारे हस्बैंड ने कभी ऐसे ही बात करा होगा और मुझे दिमाग में घूम तो रहा था वो नाम श्रीमय श्रीमय लेकिन मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि आई वॉन्ट मैं चाहती थी कि स्वामी वो नाम रखे तो स्वामी कहते हैं बोलो 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 और फिर मुझे बोलना पड़ा स्वामी श्रीमयी कहते हैं हाँ श्रीमय और फिर स्वामी हमें अंदर ले गए इंटरव्यू दिया तो जब बाहर निकले तो विभूति दे रहे थे सबको वापस सबके साथ तो मैं बीच में बैठी थी तो मेरे हाथ में बेबी था और स्वामी वह साइड में थोड़ा चार लोगों के दूर थे तो वहीं से बुलाते हैं श्रीजा श्रीजा तो मैंने देखा स्वामी इसको बुला रहे हैं मेरी बेटी को श्रीजा श्रीजा बुला रहे हैं उसके लिए अलग से विभूति दे रहे थे और तब मुझे लगा कि स्वामी के मुंह से जो श्रीजा नाम रखा है बोल निकला है तो मैं वो नाम भी इसको बुलाऊंगी तो घर में हम लोग इसको श्रीजा बुलाते हैं कई बार और स्कूल में तो खैर श्रीमई नाम है इसी तरह जब वांग में जो सेकंड डॉटर स्वामी ने जब उसका नाम रखना था अः स्वामी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बेटी का नाम श्रीमयी है इसका नाम वांग मई होगा ओम श्री साई राम भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटी कोटी प्रणाम श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार भगवान श्री सत्य साई बाबा हमारी जिंदगी में हमारे पैदा होने से पहले से ही थे मेरे माता पिता और आ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा से उनके फोल्ड में थे स्वामी हमेशा से हमारी फैमिली का एक जैसे फैमिली का कोई एक बड़ा सदस्य होता है वैसे थे दादा 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 या नाना जैसे हमारे फैमिली के हिस्से थे उन्होंने वो हमारे लिए सारे काम किए जो एक बड़ा कर करता है जैसे बच्चों का नाम रखना वो पैदा हुए तो उनको अपनी गोदी में रखना उनका अन्न प्राशन करना पहला फूड का मौसिल एंड फर्स्ट एल्फाबेट लिखना तो उन्होंने हमारे लिए एक बोर्ड uh, पे ओम लिख के दिया हमारा मुंडन करना और uh, स्वामी ने uh, मेरे कानों की प्योरसिंग भी करी uh, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है स्वामी ने जिस uh, इंटरव्यू में हमारी प्योरसिंग करी जब हम बाहर निकले uh, तो मेरी मदर ने देखा कि एकदम से मेरी कान की एक बाली मिसिंग है और uh, तो सब एकदम से घबरा गए कि अब स्वामी को कैसे बताएंगे कि बाली है उनको कैसे बोलेंगे दोबारा पियर्स करें तो सब बात करने लगे और मामा ने अपनी दोस्तों से बात करी कि कैसे ढूंढें बाली तो अगले दिन मामा की एक दोस्त थी जो बस स्टैंड पे थी अपने किसी रिश्तेदार को सी ऑफ करने गई थी और वहाँ पे आ, उन्होंने देखा किसी लेडी की शॉल पे कोई चीज़ चमक रही थी तो उन्होंने ध्यान से देखा तो वही बाली थी जो मेरे कान में स्वामी ने डाली थी तो वो लेके भागती हुई गई और मम्मा को दिखाया कि देखो वो बाली मिल गई है <laughs> तो फिर आ, वो बाली स्वामी के पास ले गए मम्मा पापा और उनसे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ दोबारा आ, पियर्स कर दीजिए ऐसे ही स्वामी ने आ, मेरे कानों को पियर्स किया था तो आ, उसी दौरान जब आ, अगली बार जब हम गए पुटापट तो मैंने अपनी इयरिंग्स चेंज की हुई थी और आप सोच सकते हैं छोटी सी लड़की के लिए यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसने अब अपनी ईयरिंग चेंज कर ली और मैं बहुत ईगर थी कि मैं स्वामी को ये बात बताऊं और पढ़ती में ना हम बहुत कंफर्टेबल थे जैसे कोई अपने नानी हाउस में होता है या अपने घर पे होता है और दो वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है बट समा कंफर्ट इतना ज़्यादा था कि आ, हम इंटरव्यू रूम से निकले और मैंने इंटरव्यू रूम जाने से पहले ममा पापा को बोला हुआ था कि प्लीज़ स्वामी को बताना स्वामी देखो मैंने अपनी ईयरिंग चेंज की किया उन्होंने नहीं बताया और पूरी इंटरव्यू ख़त्म हो गई मैं वेट करती रही हम सब इंटरव्यू रूम से बाहर आ गए हम विरांडा की तरफ जैसे विरांडा की तरफ से लेडी साइड पर जाने लगे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि माँ पापा तो बताना ही भूल गए तो फिर मैंने वापस टर्न किया और स्वामी ऑलरेडी विरांडा में बॉय साइड पर वॉक कर रहे थे एंड मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला स्वामी सी आई चेंज माई इिंग्स सो स्वामी ने मेरे मुड़के देखा और मस्त भी सरप्राइज मस uh, हो गई होंगे कि ये बॉयज साइड पे ही लड़की आ गई एंड uh, उन्होंने बोला ऐसे uh, ना बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे कुछ तेलुगु में बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने फिर श्री का मेरी बहन के पास गए श्री मई के पास और उन्होंने उसके बाल ऐसे कान से हटाए उन्होंने हाँ, <laughs> हमेशा से ही जैसे सेकंड चाइल्ड एक नोटी चाइल्ड होता है और फर्स्ट चाइल्ड एक तो सीधा जिम्मेवार बच्चा होता है शी वाज़ <laughs> हमारी uh, स्वामी के साथ जो इंटरव्यूज होती थी वो भी कुछ इस प्रकार ही होती थी uh, uh, स्वामी पहले तो मामा पापा से बात करते थे फिर हमारी तरफ ध्यान आता था तो हमसे पूछते थे कैसे हो और जैसे एक बड़ा अब पूरी रिपोर्ट कार्ड पूछता था वैसे हमसे पूछते थे क्या ग्रेड्स आए आपके सबसे पहले वो हमसे हमारा नाम पूछते थे हर इंटरव्यू में उन्होंने नाम रखा था फिर भी हमसे हमेशा हमारा नाम पूछते थे तो जब मेरे से नाम पूछते थे तो मैं वैसे तो सब कुछ श्रीमई बोलती थी पर उनके सामने मैं सोचती थी बहुत अच्छे से मैं प्रोनाउंस करूँ तो मैं श्रीमयी बोलती थी स्वामी श्रीमयी स्वामी तो जब सुनते थे वो मेरे को इमिटेट करके स्त्री मई करके बोलते थे तो हमेशा बड़ा प्लेफुल और हमारे को ऐसे खुश रखते थे तो जब रिपोर्ट कार्ड पूछते थे तो पूछते थे मैथ्स में क्या ग्रेड जाए हिंदी में क्या ग्रेड जाए तो उनको कहीं लगता तो बोलते थे इसको इम्प्रूव करो इस पर ध्यान दो तो आ, हमेशा ऐसे लगता था जैसे फैमिली फीलिंग uh, आती थी हमारे को दादा दादी से मिलने आए फीलिंग <laughs> आती थी और ऐसी आ, जब हम इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते निकलते थे तो मुझे ना बहुत कम क्योंकि स्वामी इतने सॉफ्ट स्पोकन थे इतने आराम से स्वीटली बात करते थे आ, बहुत बारी मुझे समझ नहीं आता था कि स्वामी कह क्या रहे हैं तो बहुत मेरे को ना अटेंशन के साथ बैठना पड़ता था और ध्यान से सुनना पड़ता था एंड uh, बहुत बारी हम पीछे बैठे होते थे स्पेशली जैसे एक इनर इंटरव्यू रूम होता है और फिर इंटरव्यू रूम से बाहर आके कॉमन एरिया होता है जहाँ जिनको स्वामी इंटरव्यू दे रहे होते हैं सब बैठे होते हैं तो वहाँ स्पेशली हम श्री और मैं यूजली पीछे बैठे होते थे पर मुझे ये बात पता थी कि स्वामी जब uh, सबकी इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगी स्वामी विभूति बास्केट मांगेंगे तो ये मैं वर्ड ढूंढती थी कि स्वामी बोलेंगे विभूति बास्केट तो एक बारी स्वामी ने आई थिंक श्री को श्री मई को बोला था कि विभूति बास्केट प्लीज पास कर दो बट मैं इतनी ईगर थी कि मतलब मुझे बस सुनाई देने में ऐसे भाग के फटाफट में विभूति बास्केट लेके आती थी और स्वामी को देती थी तो जस्ट कि मेरा कोई इंटरेक्शन उनके साथ हो जाए आई थिंक दैट ईगरनेस वी ऑलवेज हैड जैसे स्वामी हम हम अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ और सर्दियों की छुट्टियाँ जो होती थी स्कूल में उसमें कम से कम दस दिन के लिए साल में दो बारी हम जाते थे पर्ति जो हम अभी तक आ, कर रहे हैं तो आ, कई बारी स्वामी हमको एक बारी दो बारी इंटरव्यू के लिए बुलाते थे लेकिन हम हमेशा वो जो लास्ट डे होता था हमारी ट्रिप का उसके लिए वेट करते थे कि हम अपनी सबसे बेस्ट आउटफिट उस दिन के लिए रखते थे मैचिंग लहंगा या कुछ के जाते थे तो हमको मालूम था कि स्वामी उस दिन जरूर बुलाएंगे हमें तो आई थिंक देर वॉज ऑलवेज स्वामी एंड बी द बेस्ट ड्रेस्ड मोस्ट वेल देर वन टाइम दैट आई थिंक जो हमारे लिए सबसे एक स्पेशल मेमरी है जब स्वामी ने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर विरांडा में बिठाया जहाँ पे नॉर्मली मेन बैठते हैं और uh, उसके बाद उनने हमको इंटरव्यू रूम में नहीं बुलाया तो हमारे लिए इतनी स्पेशल मेमोरी है कि हमने वो पूरा टाइम भजन दर्शन सारा बिरांडा में बैठ के uh, किया आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स वेरी रेयर मोस्ट लेडीज उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती तो आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मेमोरी है कि वहाँ पे बिरांडा में बैठ के हमने uh, पूरा भजन अटेंड किया लाइक वन ऑफ सॉमीज बॉयज <laughs> जैसे यू नो दैट फीलिंग दैट स्वामीस बॉयज आर ऑलवेज विद हिम सो वी आल्सो हमें भी ये चांस मिला कि हम एकदम विरांडा में बैठ के स्वामी के भजन साथ हम इंटरव्यू रूम में जैसे बाहर बैठे होते थे तो स्वामी वो जस्ट लाइक पैट आवर हेड एंड से गुड गर्ल <laughs> और uh, मुझे याद है जो uh, हमारी लास्ट इंटरव्यू थी स्वामी के साथ उसमें स्वामी जैसे वांगवे ने बताया अक्सर विभूति देते थे तो उन्होंने सबको विभूति विभूति बांटी और सब निकल गए और मैं आखिर में निकल रही थी मुझे स्वामी ने दोबारा बुलाया एंड सेड यू आर अ वेरी गुड गर्ल तुमको मैं और देता हूँ एंड ही पिक्ट अप और बनचो विभूति और मेरे हाथ में और दी स्वामी ने मुझे एक सिल्वर चेन मटेरियलाइज करके दी थी हम दोनों को एक एक चेन मटेरियलाइज करके दिया जिसमें स्वामी का एक पेंडेंट है साथ में तो so, uh, मैं शायद प्री uh, टीन्स थी जब वो चेन uh, मेरे से टूट गई थी तो मम्मा ने मेरे लिए वो चेन एक काले धागे में बांध के मुझे uh, वो पेंडेंट काले धागे में बांध के मुझे दोबारा पहना दी थी uh, तो अगली बारी जब हम uh, स्वामी के पास गए पढ़ती तो स्वामी ने इंटरव्यू में बुलाया और मुझे कहा अब बड़ा हो गया है अब स्वामी गोल्ड uh, का चेन देगा सो देन ही मेटीरियलाइज गोल्ड चेन एंड ही गिव दैट टू मी इट इट इट्स इट्स अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन कि स्वामी ने uh, चेन uh, निकाल के दी और हमको पहनाई uh, स्वामी ने हमारे लिए uh, हमारे करियर्स भी चूज़ करे जैसे एक बड़ा अगेन बैठ के फैमिली में डिस्कस करता है कि आगे क्या करना चाहते हो उन्होंने हमसे ये सवाल किया और uh, जब मेरे से सवाल पूछा तो uh, मैंने बोला स्वामी वट एवर यू विश तो स्वामी ने बोला आर्किटेक्चर करो और आगे बढ़ के फिर पापा का मदद करो तो आई सेड श्योर स्वामी फिर मांग में से ये सवाल किया <laughs> तो जैसे कि मैंने बताया मैं काफ़ी शरारती थी और आई विश कि मैंने भी ये जवाब दिया होता कि स्वामी आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए पर मैंने बोला नहीं स्वामी मुझे यूएन ज्वाइन करना है तो आ, स्वामी ने बोला क्यों <laughs> मैंने बोला स्वामी मुझे ट्रैवल करना है मैंने बोला नहीं आप इंटीरियर डिज़ाइन करो और उसके बाद अपनी फादर की हेल्प करो सो so, अब मैं बहुत खुश हूँ कि आ, मैंने इंटीरियर डिज़ाइन किया और अब मैं अपनी फैमिली के साथ काम कर पाती हूँ और आ, ऐसा एक चेन इंसिडेंट मेरा भी था Uh, जैसे आपकी सिबलिंग uh, को कुछ मिलता है तो आपको लगता है मुझे भी मिलना चाहिए तो uh, मैं uh, एक बार दर्शन लाइन में उसके बाद में जब भी मैं दर्शन जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी और मैं समझने लग गई ये सब चीज़ें तो मैं दर्शन लाइन में बैठी थी और मैं सोची थी स्वामी मुझे भी एक चेन मिलनी चाहिए और uh, आप मुझे सब दो गए में बहुत फे करती थी और फिर लास्ट इंटरव्यू जो था हमारा वी डेंट नो कि हमारा लास्ट होगा एट दैट टाइम स्वामी ने हमें हमारी करियर्स के बारे में भी बताया और uh, मुझे भी एक चेंज दी तो मुझे ये री एश्योरेंस मिली कि मैं इतनी बदमाश भी नहीं हूँ आई आई एम ऑल्सो इन हज गुड बुक एंड आई थिंक एवर स्टेंट उसके बाद से हमें हमेशा लगता था कि स्वामी हमारे साथ ऐसे uh, सारे टाइम हैं एज अ प्रोटेक्शन एज अ सपोर्ट एज अ गाइड वो सारे टाइम हमारी लाइफ में है और ये बहुत सारे छोटे 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 इंसिडेंट्स हैं लाइफ में डेली रिमाइंडर्स दैट ही इज ऑलवेज देयर विद यू उसमें से एक बारी हम लोग जयपुर जा रहे थे और पापा ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके साथ बैठी थी पीछे गाड़ी में नानी और मेरी मादर बैठी थी और हाईवे पे सभी गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड से चल रही होती हैं तो एकदम से मुझे लगा कि गाड़ी हमारी थोड़ी आ, मुड़ रही है धीरे धीरे और फिर हमारी गाड़ी एकदम से पूरी मुड़ गई और मैंने साइड से देखा कि एक ट्रक आ रहा है हमारी गाड़ी की तरफ बहुत ही जैसे स्लो मोशन में आ रहा हो और एकदम से हमारी गाड़ी के साथ आके रुक गया और मेरे को लगा हमको हल्का सा एक धक्का लगा है जैसे कोई चीज ने हमको बफर कर दिया हो इतना तेजी से सब गाड़ियां चल रही थी कि किसी के पास रुकने का टाइम था नहीं पर वो एकदम से धीरे से आके बस लग गया और उसी हम हमको समझ नहीं आया क्या हुआ और एक दो मिनट में भीड़ आके इकट्ठी हो गई मैंने सोचा बाहर जाके देखे तो वो ट्रक हमारी गाड़ी को बस एक दो मिलीमीटर से आ, बचा के रखा हुआ था तो बस जो गाड़ी का दरवाजा था वो इतना डेंट हुआ था कि गाड़ी का दरवाजा खुल सके और बंद हो सके और लॉक हो सके पर बाकी सारा खराब हो चुका था तो आ, उसके बाद जब हम जयपुर से वापस दिल्ली आए मुझे एक सपना आया अजीब सा मैंने देखा स्वामी दर्शन दे रहे हैं और मैं और मेरी बहन बैठे हैं और उस दर्शन में स्वामी को सब जगह चोट लगी हुई है और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है जब मैं उठी तो फिर मेरे को याद आया कि स्वामी ने हमको उस समय कितना बचाया होगा उस एक्सीडेंट में हमारा कितना हमारा नुकसान हो सकता था हमें ये अंदाजा भी नहीं था तो आ, इन्हीं छोटी इंसिडेंट से हमको एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि स्वामी इज ऑलवेज देयर ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू और आ, एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ छोटा सा इंसिडेंट है बट इट इट रियली मेक्स यू फील कि जैसे स्वामी आपके साथ ही हैं मैं अभी हाल ही में एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में थी और आ, Uh, मेरे साथ एक गुजराती कपल बैठे हुए थे मैंने उस फ्लाइट में पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं किया कि मुझे वेजिटेरियन खाना चाहिए उस समय मेरे से मिस हो गया तो जब एयर होस्टेस आई खाना सर्व करने के लिए तो उन्होंने uh, मेरे साथ वाले जो गुजराती कपल थे उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था वेजिटेरियन खाना जब उन्होंने मेरे, uh, उन्होंने uh, uh, कपल से पूछा फिर मेरे से पूछा आप क्या लेंगे मैंने बोला वेजिटेरियन उन्होंने बोला आपने वेजिटेरियन चूज नहीं करा है तो हमारे पास इस आपके लिए वेजिटेरियन खाना है नहीं तो मैंने सोचा अब मैं क्या खाऊंगी इतनी लंबी फ्लाइट है आप मानेंगे नहीं मेरे साथ जो कपल थे उनकी जो वाइफ थी वो शायद आ, कुछ फास्ट कर रही थी कि या आ, कुछ उनको था जो खाना नहीं खा रही थी उनके सारे मील्स सारे वेजिटेरियन मील्स मुझे आए आई वॉज सो ग्रेटफुल टू स्वामी अदरवाइज इन दैट लॉन्ग फ्लाइट फोर्टीन फिफ्टीन आवर फ्लाइट आई वुड नॉट हैव गॉट इन फूड आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर दैट लेडी टू हैव रिफ्यूज एवरी सिंगल मील मेरा ट्वेंटी फर्स्ट बर्थडे आने वाला था और मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था तो uh, मुझे uh, मेरे कमरे में आइसोलेट करा गया था तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि स्वामी इतना स्पेशल बर्थडे है ट्वेंटी फर्स्ट बर्थडे और मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ बीमार कोई मेरे साथ है नहीं कोई मुझे मिल नहीं सकता तो मैं रो रही थी उस समय तो स्वामी मेरे को ऐसे लगा स्वामी ने बोला आई एम कमिंग आई एम कमिंग रात के बारह बजे मेरे माता पिता आए और उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दी स्वामी की जो मैंने पिछली पर्ती की ट्रिप में बोला था ये बहुत सुंदर फोटोग्राफ है स्वामी की तो वो मेरे लिए फ्रेम करके लाए थे सो दैट वाज अ पिक्चर एंड आल्सो रीअश्योरेंस कि इफ़ यू कॉल फॉर मी आई एम गोइंग टू कम तो वो पिक्चर अब मेरे बेडरूम में है एंड रोज मैं वहीं पे पूजा करती हूँ हम लोग एक बारी स्कॉटलैंड गए थे और स्कॉटलैंड में हमने एक रेंटल कार ली थी वो रेंटल कार हमने एयरपोर्ट पे छोड़ के हम लोग दोबारा दिल्ली की फ्लाइट ले रहे थे और मेरे फादर के पास हमारे सारे पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे पास कार्ड्स और पैसे थे वो सारे मेरे फादर के पास थे एक बैग में और वो बैग जब सिक्योरिटी चेक इन करने लगे तो मेरे फादर ढूंढने लगे कि उसको निकाल के सिक्योरिटी चेक इन में दे देते हैं उनको मिला नहीं और हम एकदम से घबरा गए मेरे मदर सिस्टर सब सिक्योरिटी चेक इन से निकल चुके थे तो सिर्फ हम दोनों बचे थे बाहर तो हम दोनों फिर भागे बाहर हम लोग ढूंढने लगे कहाँ हैं कहाँ हैं कहीं मिला नहीं जहाँ हमने चेक इन किया था वहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर किसी ने हमको बोला कि आप जाके रेंटल कार चेक इन पे पता कर लीजिए वहाँ भी ढूंढा वहाँ नहीं मिला फिर फाइनली हम लोग हमको एयरपोर्ट पे लॉस्ट एंड फाउंड दिखा लॉस्ट एंड फाउंड पे जाके हमने पूछा तो उन्होंने पूछा कि आपके बैग में क्या था तो पापा ने बताया कि आ, आ, इतने डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे फादर ने कुछ बताया कि इतना अमाउंट पैसे थे और साथ में एक फोटोग्राफ थी सत्य बाबा की वो आदमी गया अंदर कमरे में और लेकर आया और कहता है कि आप एक बारी चेक करिए यही बैग है मेरे फादर ने बोला हाँ यही है और उन्होंने बैग खोला और उन्होंने चेक करा कि जितने पैसे पापा ने बोले थे उससे कई ज्यादा पैसे उस बैग में थे और उस आदमी ने जो लॉस्ट एंड फाउंड वाले एरिया में था उन्होंने बोला कि अभी ही कोई आदमी उठा के लेकर आया है आपके आने के एक मिनट पहले और आपके सारे पैसे और सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में हैं और साथ ही में एक आदमी आया और उन्होंने बोला ये जो इंसिडेंट है ये बहुत रेयर है कभी भी ऐसी चीज़ें वापस नहीं मिलती हैं आप बहुत लकी हैं कि आपको आपका सारा सामान वापस मिल गया खास करके पैसे एक ऐसा समय था जब स्वामी फिजिकली थे पर उन्होंने इंटरव्यू देने बंद कर दिए थे तो उस टाइम स्वामी से इंगेज करने के लिए अगर कुछ भी करना था तो या तो आप चिट्ठी दे सकते थे या जब वो मतलब जब वो दर्शन के लिए आते थे और हम दर्शन के लिए बैठे हैं वही एक वक्त है जब आप स्वामी के साथ कुछ इंगेज कर सकते हैं तो मुझे याद है कि मैं बहुत ईगली वेट कर रही थी कि अभी स्वामी निकलेंगे स्वामी निकलेंगे दर्शन के लिए तो स्वामी निकले और जैसे ही स्वामी की चय व्हील चेहरे मेरे सामने से निकली जो तो मेरे सामने वाली आंटी थी वो एकदम खड़ी हो गई और उनसे बात करने लगी और मेरे को इतना ऐसे लग रहा था कि मैं इतना वेट कर रही थी और स्वामी आए और वो लेडी खड़ी हो गई और मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो फिर जब मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया कि अगर स्वामी को देखना है ना थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा तो आ, मैं ऐसे करके मैंने बैंड किया और जब मैंने ऐसे बैन किया मैंने देखा स्वामी भी ऐसे करके बैंड करके मुझे देख रही थी तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट बट मुझे ये सीख हमेशा याद रहेगी कि अगर स्वामी को हमें रीच करना है तो थोड़ा एफर्ट हमें भी करना चाहिए और स्वामी इज़ ऑलरेडी वेटिंग जब हम एफर्ट कर लेंगे तो हम देखेंगे स्वामी इज़ ऑलरेडी वेटिंग ऑन दी अदर साइड और ऐसे ही आ, दर्शन लाइन की एक और मेरी स्टोरी है कि आ, उस टाइम ना रुद्रम शुरू हुआ था पत्ती में रुद्रम चाँदी और आई वॉज मैं बहुत लेजी थी कि इतना सारा रुद्रम मैं लर्न करूँ तो बट uh, उस टाइम uh, हम सब उस बुक्स पढ़ते थे और रुद्रम पढ़ते थे दर्शन की लाइन्स में स्वामी uh, आ रहे थे और मैं अपने माइंड में सोच रही थी कि स्वामी अगर मुझे रुद्रम लर्न करना चाहिए तो प्लीज़ आप भी चैंटिंग करो तो देन आई सॉ स्वामी आए देन ही सारे टू से द गणपति प्रार्थना एंड एवरीथिंग जब वो uh, दर्शन लाइन में जा रहे थे सो तो, uh, ट वॉज वन लर्निंग फॉर मी कि ऑफकोर्स मुझे रुद्रम तो लर्न करना ही चाहिए बट अदर देन दैट कि ही लिस्निंग टू एवरी थाट ऑफ योर इन योर माइंड हमें पता ही है कि uh, स्वामी भगवान है बट uh, कभी कभी ना हम अपने इन इंसिडेंट से खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं फॉर सम रीजन हम इतना uh, भूल जाते हैं कि वो सच में हमें सुन सकते हैं और uh, Uh, फिर उसके बाद uh, एक फेज था uh, स्वामी साई सेंटर आए थे दिल्ली में 2010 और uh, उस टाइम uh, uh, उस स्वामी स्टेज पे बैठते थे uh, लाइन दर्शन नहीं होता था एंड उस आई डेंट नो एट दैट टाइम दैट दिस इज टू बी स्वामी लास्ट ईयर हम उनसे इतना इंगेज कर पाएंगे और uh, आई थिंक स्वामी ने ही मुझमें वो फीलिंग्स डाली थी उस टाइम ऑफ डिवोशन और इतना में इमोशनल हो जाती थी जब हम भजन गा रहे होते थे तीय माई आइज एंड आई यूस टू प्रे कि स्वामी यू ऑल्सो लव मी दैन प्लीज़ लुक एट मी सो एंड एट द साइज सेंटर वेन यूर फिटिंग फॉर भजन ऐसा नहीं है कि स्वामी यूर यू नो राइट इन फ्रंट ऑफ स्वामी या स्वामी दर्शन लाइन से जा रहे हैं आप काफ़ी दूर बैठे होते हो फ्राम द स्टेज एंड ड्यूरिंग आरती आई वुड सी हिम लुकिंग एट मी उसी टाइम साई सेंटर में जब स्वामी थे तो जब स्वामी किसी प्रोग्राम से वापस आते थे साई डेली में कोई प्रोग्राम अटेंड करके तो तब अगर आप साई सेंटर में बैठे हो ही जब वो एंटर कर रहे हैं तो दैट इज़ वन मोर चांस फॉर दर्शन तो स्वामी किसी इवेंट से आ रहे थे हम दर्शन लाइन में बैठे थे और स्वामी की ना उस टाइम जो स्वामी की व्हील चेयर थी वही उनकी कार की चेयर थी तो कार की चेयर बाहर निकलती थी और उसी में वो स्वामी को रूम में ले जाते थे आई रिमेम्बर कि वो कार की चेयर निकाल रहे थे और सब ऐसे ऐसे करके ना स्वामी को देख रहे थे और कैमरा टिक 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 चल रहा था और मेरे माइंड में आया था अभी मैं स्वामी को नहीं देखूंगी दिस इज हिज टाइम लाइक हिज प्राइवेट टाइम वो कहीं किसी चीज़ से निकल रहे हैं और सब उनको ऐसे हर समय घूर रहे हैं उनको थोड़ी अपनी स्पेस देनी चाहिए तो मैं अभी स्वामी को नहीं देखूंगी जब वो थोड़ा सा नो कार से जब आप कोई निकलते हो तो आप थोड़ा अपना चेहरा वगैरह ठीक करते हो सारा मैं वेट करूँगी और जब उनकी चेहर टर्न होगी दैन आई विल लुक उनकी चेहर टर्न हुई इसकी आवाज़ आई फिर मैंने स्वामी को ऐसे देखा एंड फिर जब स्वामी की चेहरे मेरे सामने आई देन ही गिव मी अ ब्लेसिंग लाइक दिस ही रेज हिज हैंड एंड उससे मुझे ये एफर्मेशन uh, मिली कि uh, भगवान को भी हमें ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे हमें प्यार करना लोगों से आता है uh, जैसे हम भगवान को ना एक पे रख लेते हैं सोच के कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए या हमें उनको लव करने का भी एक तरीका होता है बट जैसे हम एज़ ह्यूमन लव करना जानते हैं किसी को हमें कब कभी अगर हमें स्पेस भी देने की ज़रूरत हो या मतलब भगवान को हमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है बट माई मीनिंग इज कि जैसे हम ह्यूमन्स को लव करते हैं हम भगवान को भी वैसे लव करें देन ही लाइक दैट जब मेरी बेबी हुई थी तो जब मेरी बेबी हुई थी तो उसका कुछ पार्ट था विच वॉज अ माई प्रेग्नेंसी वॉज अ डिफिकल्ट प्रेगनेंसी बट uh, वो डिफ़िकल्ट पैच शुरू होने से पहले मुझे ड्रीम आया स्वामी का और uh, उसमें स्वामी ने मुझे बोला कि अब इस जो मंथ शुरू होने वाला था उन्होंने बोला ये मंथ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा बी केयरफुल और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आई आई रिम्बर ड्रीम में भी शोइंग स्वामी uh, जो मैंने बेबी के लिए क्लोथ्स खरीदे स्वामी ये देखो ये पहनाएंगे ये बिज और uh, उसके बाद ही सेट दैट इस टाइम पे बेबी आएगा एंड आई रिमेंबर वॉकिंग आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम व्हेन आई वर्क आउट फ्रॉम द ड्रीम आई जस्ट रिमेंबर दिस माई वर्क दैट आई एम टेलिंग पापा कि पापा चलो बेबी का रूम जल्दी से रेडी कर लेते हैं क्योंकि बेबी जल्दी आने वाली है तो आने वाला है आने वाली है एंड

फाइल थी उसमें हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग uh, थी द दैट वी uh, कुछ करना नहीं पड़ा उनको ढूंढने के लिए उनको जानने के लिए और वो हमारी लाइफ में ऐसे इंटीग्रेटेड थे कि हमको कभी ये रियलाइजेशन uh, भी नहीं uh, करनी पड़ी कि ही इज गॉड ही इज पार्ट ऑफ एवरी थिंग वी डू एवरी लिटिल थिंग हम सुबह उठते हैं सुबह भजन चल रहे होते हैं uh, अलार्म बजता है तो अलार्म भी प्रेम स्वरूप ला रहा एंड uh, उसमें स्वामी फिर बोलते हैं स्टार्ट द डे विद लव फिल द डे विद लव स्पेंड द डे विद लव एंड द डे विद लव दिस इज द वे टू गॉड

तो so, हम भी उसी कैटेगरी के हैं दैट दम कभी कुछ चाहिए होता है स्वामी की बुक रैंडमली किसी पेज पे खोलो एंड द राइट मैसेज विल बी देयर फॉर यू या कभी यू यू लिसनिंग टू एन एन इंटरव्यू इवन सी इंस्टाग्राम पोस्ट उसमें कोई मैसेज लिखा होगा नीचे कैप्शन में दैट इज योर मैसेज फॉर द डे दैट इज योर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द डे आई फील लाइक स्वामी इज ऑलवेज ट्राइंग टू सेंड मैसेज हमें बस ट्यून इन करने की जरूरत है श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सपे की हमारी स्टोरी सुनी थैंक यू एंड साई राम